अगर एक ट्यूना फिश तैरना बंद कर देती है तो वो ना लगभग तुरंत ही मर जाती है, जिस वजह से ना ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो सोती कैसे है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए भी उन्हें स्टडी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो ना हमेशा ही हिलती रहती है। लेकिन वो ये जानते हैं कि ट्यूना फिश ना पानी को अपने गिल्स की मदद से अंदर की ओर खींचती है, जिसका मतलब ये है कि जब वो सो रही होती है तो वो ना आराम करने के लिए एक लो एनर्जी स्टेट में चली जाती है।